हेलो एवरीवन दिस इज क्लास फाइव मॉरल साइंस चैप्टर नंबर टेन लेट अस टॉक लेट अस टॉक का मतलब है बात करना चलिए हम बातें करते हैं वैल्यू ऑफ द चैप्टर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना और दूसरों की बात को अच्छे से समझना तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी असरदार कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है लेट्स सी इन द चैप्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ स्किल्स डेट अ पर्सन कैन डिवलप सम वन हु कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट हिज आइडियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स इज सक्सेसफुल बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ रीपिलो एंड डिवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है ये लाइफ के बेस्ट स्किल होते हैं सबसे अच्छे कौशल या तरीके जिनसे एक व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा सकता है डिवलप कर सकता है जो भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है अपनी आइडियाज़ थाट्स और फीलिंग्स को यानी उसके मन में जो भी चल रहा हो अगर वो बिल्कुल बेहतर तरीके से असरदार तरीके से सामने वाले तक पहुंचा पाता है तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी पर्सनली यानी हमारी निजी ज़िंदगी एंड प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है जहां हम काम करते हैं तो वो हर तरह से सक्सेसफुल होता है वॉट इज़ कम्युनिकेशन नाउ द क्वेश्चन इज ये कम्युनिकेशन होता क्या है सो इट इज़ जनरली बिलीव डैट कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग एंड लिसनिंग बट इट इज मोर देन डैट जनरली यानी आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना और सुनना लेकिन इसमें इससे भी कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं Communication is the process through which the sender sends his messages, message to the receiver. Communication is a process in which the sender sends a message to the receiver. Ko. The process of communication is said to be complete when the receiver of the message is able to understand the message. एंड गिव द फीडबैक टू द सेंडर इट इज़ टू वे प्रोसेस तो सिर्फ बोलना और सुनना ही कम्युनिकेशन नहीं है कम्युनिकेशन का मतलब है एक सेंडर यानी जिसे अपनी बात समझानी है वो सामने वाले को कैसे भेजता है वो जो भी मैसेज देता है रिसीवर उसे कितना समझता है जब वो पूरी तरह से उस बात को समझ जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैसेज भेजने वाले को अपना फीडबैक देता है यानी रिप्लाई करता है कि उसे कितना समझ आया इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ टू वे प्रोसेस ये एक तरफा नहीं दो तरफ़ा होता है नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज ऑल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज एंड रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग हो जो हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड रिटर्न कम्युनिकेशन जो लिखित रूप होता है तो हम लोग एक एक करके देखते हैं वॉट डज ऑल मीन वर्बल कम्युनिकेशन और टॉकिंग वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द यूज ऑफ साउंड एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इट इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पीच सम बेसिक टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर फेस टू फेस टॉकिंग एंड टॉकिंग ओवर द फोन तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है साउंड एंड वर्ड्स से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना या सामने रखना तो और इसके दो फॉर्म हैं जैसे कि जब हम किसी से बात करते हैं आमने सामने या हम फ़ोन पे बातें करते हैं बोथ आर एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन नेक्स्ट टाइप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द यूज़ ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स आई कॉन्टैक्ट्स पॉस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा कि बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है तो इसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं हमारे चेहरे के आवभाव जेस्चर्स का भी अर्थ यही होता है कि हम हमारे बॉडी में किस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं जब हम अपनी बातों को रखते हैं फिर आई कांटेक्ट, पोस्चर हमारे खड़े होने का बैठने का तरीका ये पोस्चर होता है एंड टोन ऑफ वॉइस मींस हमारे वॉइस में कितना चेंज आ रहा है तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्पीक्स लाउडर देन द यूज़ ऑफ वर्ड्स तो ये यूज़ ऑफ़ वर्ड्स यानी वर्बल कम्युनिकेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प यू कनेक्ट विद अदर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ पाना ये बहुत ही बड़ी पावर है इससे हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाते हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं द वे यू लिसन लुक मूव एंड रिएक्ट टेल्स द अदर पर्सन वेदर और नॉट यू केयर और हाउ वेल यू आर लिसनिंग ये सारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिएक्शंस हैं जब हम द वे वी लिसन हम कैसे सुनते हैं देखते हैं मूव करते हैं और रिएक्ट करते हैं इससे पता चलता है कि हम सामने वाले की बातों को कितना समझ रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिकम मोर सेंसिटिव टू द नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो टू योर ओन अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेंसिटिव हों सेंसिटिव का मतलब है रिएक्टिव किसी भी बात को सुनकर या देखकर समझकर हम उस पर क्या प्रक्रिया देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सेंसिटिव होते हैं तो हमें सेंसिटिव होना चाहिए तभी हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे और ये सेंसिटिविटी हमें सिर्फ दूसरों के वर्बल सिग्नल पर नहीं अपने आप के वर्ड्स के साथ भी जोड़ना पड़ेगा नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन यानी जो लिखित रूप में हो रिटन कम्युनिकेशन मीन्स एनी टाइप ऑफ मैसेज डैट मेक्स यूज ऑफ रिटन वर्ड यानी जो भी मैसेज लिखा हुआ हो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द स्किल ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एंड राइटिंग का अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है इन रिटर्न कम्युनिकेशन वन हैज टू बी क्लियर एंड प्रोसाइज टू डिलीवर वंस मैसेज रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसे लिख रहा है वो मैसेज को क्लियर बिल्कुल सही साफ समझदार समझ आए ऐसा एंड प्रोसाइज मतलब इन शॉर्ट हो सब पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर लेटर राइटिंग रिपोर्ट्स ईमेल्स एंड कम्युनिकेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो रिटन कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं जो आप सभी जानते हैं दैट इज लेटर राइटिंग रिपोर्ट ईमेल और सोशल नेटवर्टिंग नेटवर्किंग साइट पर कम्युनिकेट करना यानी एक दूसरे से बात करना भी रिटर्न कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्पीक मोर इफेक्टिवली यानी और भी बेहतर तरीके से असरदार तरीके से कैसे बातें कर सकते हैं विद अ लिटिल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज ऑफ द बेसिक्स यू कैन स्पीक इफेक्टिवली एंड गेट योर पॉइंट अक्रॉस द लिस्नर यानि थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस यानि आत्मविश्वास के साथ और नॉलेज के साथ बेसिक नॉलेज हम जिस बारे में भी बात कर रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है जब ये दो चीज़ों हों तब हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली बातें कर सकते हैं और हमारे जो लिसनर हैं यानी जिनसे हम बात कर रहे हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट समझा पाएंगे हियर आर सम बेसिक रूल्स तो इसके कुछ बेसिक रूल्स भी हैं वन स्पीक इन काम लेवल वॉइस डू नॉट शाउट यानी शांति से लेवल वॉइस का मतलब है जितने की ज़रूरत हो जहाँ ज़रूरत हो धीरे बोलने की वहाँ धीरे और जहाँ जोर की वहाँ जोर से बोले डू नॉट शाउट हाँ लेवल वॉइस का ये भी मतलब नहीं है कि चिल्लाना है तो शाउट नहीं करना है टू ऑर्गेनाइज थाट्स इन योर माइंड एंड देन स्पीक देम आउट सबसे पहले अपने थाट्स या विचारों को पहले माइंड में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें अरेंज कर लें कि कहना क्या है और उसके बाद ही बातें करें थ्री यूज़ अ लैंग्वेज एंड वर्ड्स विच आर understood बाई अदर्स ऐसी ही भाषा और शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरों को समझ आए अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे या डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज करेंगे तो हमारे लिसनर को वो समझ नहीं आएगा फोर्थ कीप योर प्रनाउंशिएशन क्लियर प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो सही से सुनाई देना चाहिए फाइव डू नॉट रश विथ योर स्पीच गिव नेसेसरी ब्रेक्स एंड पॉजेज हाँ बोलते वक्त बिल्कुल स्पीड में रश यानी दौड़ना बहुत जल्दी से अपनी बातों को ख़त्म नहीं करना है जितनी ज़रूरत है उतने ब्रेक्स या पॉज लेना चाहिए नंबर सिक्स

मैंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट विथ योर लिसनर हम जिनसे बातें कर रहे हैं हमें उनके साथ आई कॉन्टैक्ट जरूर करना चाहिए एट यूज़ अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लाइक अ स्माइलिंग फेस रिलैक्सड बॉडी एंड हैंड जेस्टर्स वेल टॉकिंग टू पीपल जब हम बातें कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जैसे कि स्माइलिंग फेस हमारे फेस पे स्माइल होना चाहिए जब भी हम बात करते हो बॉडी रिलैक्स हो ऐसा ना लगे कि हम बहुत थके हुए हैं या हाँ जल्दबाजी में हैं एंड हैंड जेस्चर्स यानी हाथों से इशारे करते हुए भी हम अपने बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं नंबर नाइन चेंज योर वॉइस टोन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर स्पीच स्पीच जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग हमारी टोन हमारी आवाज़ जो है कभी ऊंची तो कभी नीची होनी चाहिए दिस विल कीप योर लिसनर्स इंटरेस्ट अलाइव हाँ ऐसा करने से हमारे लिसनर का इंटरेस्ट जगा रहेगा और वो हमारी बातों को लास्ट तक सुनते रहेंगे टेंथ हैव कॉन्फिडेंस वन टॉकिंग टू पीपल दे विल टेक यू मोर सीरियसली देन टेंथ पॉइंट ये है कि हमारी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए विश्वास होना चाहिए तभी हमारी बातों को लोग सीरियसली लेंगे ऑलवेज रिमेंबर स्पीक एंड बिहेव रेस्पेक्टफुल्ली इफ यू वॉन्ट टू बी लिसन ट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमेशा याद रखें हम जो भी बात कर रहे हैं हम जो कह रहे हैं और जो बिहेव कर रहे हैं जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो रेस्पेक्टफुल्ली हो तभी हमारी बातों को लोग ध्यान से सुनना पसंद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू लिसन मोर इफेक्टिवली हमने ये तो सीख लिया कि हम इफेक्टिवली बातें कैसे कर सकते हैं लेकिन हम एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली स्पीक वेल बट ऑल्सो टू लिसन वेल तो एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सिर्फ अच्छा बोलना ही नहीं अच्छा सुनना भी ज़रूरी है लेट सी हाउ तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं नंबर वन फेज द स्पीकर एंड मेंटेन्ड आई कॉन्टैक्ट स्पीकर की तरफ ही फेस करे चेहरा करे और आई कॉन्टैक्ट बनाए रखे सेकेंड की जो भी हमसे कोई कुछ कह रहा है हमें पूरे खुले दिमाग से उसे सुनना चाहिए और तुरंत ही कंक्लूजन या रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाना चाहिए उसे अपनी बातों को पूरा करने देना चाहिए थर्ड लिसन to the वर्ड्स एंड try टू पिक्चर what the स्पीकर is सीन जो भी स्पीकर है वो जो कह रहा है उसके वर्ड्स को सुनकर हमें अपने दिमाग में उसका पिक्चर बना के ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि स्पीकर क्या कहना चाहता है फोर डू नॉट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सोल्यूशंस इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में दखल देना और इम्पोज यानी जो हम सोच रहे हैं वो उन पर ज़बरदस्ती थोप देना सो डू नॉट इंटरप्ट जब कोई बात कर रहा हो उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए उसे पूरा सुनना चाहिए और हम जो भी चाहते हैं हमारे जो सॉल्यूशंस हैं हमें उन पे दबाव नहीं डालना चाहिए हम अपनी मर्जी या हमारी सोच को अपने स्पीकर पे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते फाइव वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज़ बिफोर यू आस क्वेश्चन अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं तो हमें वेट करना चाहिए कि वो स्पीकर कब चुप होगा जब वो ब्रेक ले थोड़ा रुके तभी हमें अपने क्वेश्चन उनसे करनी चाहिए नंबर सिक्स Try to feel what the speaker is feeling. Speaker क्या समझते हुए या क्या feel करते हुए हमसे कह रहा है हमें उसे समझने की कोशिश करनी है Seventh point and the last point is give the speaker regular feedback. Speaker को regular feedback यानी हमने उन्हें कितना समझा या उनकी बातों को हम कितना समझ रहे हैं ये feedback जरूर देते रहना चाहिए और लास्ट पॉइंट इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है देखते हैं डू यू फील ऑकवर्ड वेन यू मीट अ फैमिली मेम्बर अ गेस्ट और अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्या आपको ऑकवर्ड या अनकम्फर्टेबल फील होता है जब आप किसी फैमिली मेम्बर गेस्ट या किसी नए स्टूडेंट से मिलते हैं और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते उस फाइव हियर आर द फाइव एस ऑफ मीटिंग पीपल एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ तो यहाँ पे फाइव एस हैं ये एक तरीका है अगर आप याद रखते हैं तो जब आप किसी से भी मिलते हैं आप किस तरह खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो एस स्टैंड फॉर एस फॉर स्टैंड स्माइल से शे एंड से ये है वो पांच की तो so, देखते हैं इन सबका क्या मीनिंग है स्टैंड मीन्स स्टैंड अप वेन यू मीट समवन जब आप किसी से भी तो आपको खड़े हो जाना चाहिए स्माइल इट मेक्स अदर फील वेलकम जब किसी से मिले तो हमारे फेस पे स्माइल हो इससे सामने वाले को अच्छा फील होगा से से योर नेम लाउडली एंड क्लियरली अपना नाम जोर से और बिल्कुल क्लियरली बोल बताए नेक्स्ट इज शेक शेक हैंड्स और ग्रीट ट्रेडिशनली लाइक नमस्ते शेक का मतलब है हाथ शेक करना हाथ मिलाना या फिर हमारे ट्रेडिशन में जो भी कल्चर हो उस तरह से सामने वाले को ग्रीट करना जैसे कि नमस्ते करना एंड लास्ट पॉइंट ऑफ एस इज से अगेन से नाइस टू मीट यू टू द पर्सन यू आर मीटिंग और सामने वाले को ये जरूर कहें कि नाइस टू मीट यू यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा अगर हम ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे स्पीकर और लिसनर बन सकते हैं यानी हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर थैंक यू